हेलो एवरीवन, आसिफ आमिर के घर होता है जहां उसकी बहन आसिफ से हेल्प मांगती है स्टडीज़ के लिए। जब आसिफ घर जाता है तो सोबिया डोर ओपन करती है। आसिफ सोया होता है तो उसको ड्रीम आता है। उसके ड्रीम में उसे सोबिया नज़र आती है। उस ड्रीम में आसिफ सोबिया से कहता है कि वो उसी के इंतज़ार में था। फिर आसिफ स्मोकिंग कर रहा होता है और अचानक से वहाँ पर सोबिया आ जाती है। वो उसके सर पे हाथ रखती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है, जिस वजह से आसिफ काफ़ी घबरा जाता है और डर के उठ जाता है। सुबह होती है और आसिफ ऑफिस के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर मजीद उसे फिर से बातें सुनाता है। खैर, सोबिया की दोस्त असाइनमेंट की वजह से उसके घर आती है तो सोबिया और उसकी दोस्त दोनों बैठ कर आसिफ के बारे में भी काफ़ी गुफ्तगू करते हैं। फिर सलमा सोबिया से मिलने मजीद के घर आती है। सलमा सोबिया से शाइस्ता की तबीयत की बात करती है। शाइस्ता की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है तो सलमा उसे कहती है कि वो डॉक्टर भी कोई उसके लिए अच्छा सा ढूंढ ले। रात को सोबिया मुनीरा से कहती है कि वो आसिफ के लिए डोर ओपन कर दिया करेगी। फिर सोबिया आसिफ का इंतज़ार करती है। आसिफ जब घर आता है तो सोबिया उस डोर ओपन करती है और उसे बताती है कि ताया अबू सिटी से बाहर गए हुए हैं और ताई अम्मी की तबीयत सही नहीं है। सुबह होती है तो सोबिया आसिफ के लिए नाश्ता लेकर उसके रूम में जाती है। आसिफ घर में इसलिए होता है क्योंकि मजीद अपने घर पे नहीं होता, तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी मजीद कहीं बाहर गया होता है तो आसिफ घर में ही नज़र आता है। लेकिन आसिफ सोबिया पर काफ़ी गुस्सा करता है। सोबिया की फ्रेंड उससे मिलने आती है और वो आसिफ से भी मिलती है और वो सोबिया के रूम में चली जाती है। सोबिया सुबह नाश्ते वाली बात से काफ़ी हर्ट होती है। जब सोबिया की फ्रेंड आसिफ की तारीफें करती है तो सोबिया उसे काफ़ी डांटती है और वो दोनों बैठकर स्टडी करती हैं। रात होती है तो मुनीरा आसिफ से बात करने की ट्राई करती है, लेकिन आसिफ उसे अच्छा खासा इग्नोर करता है और उसे गुस्से से डांटकर चले जाता है। और ये सब कुछ सोबिया भी सुन रही होती है और ड्रामा यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। हम आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।